नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन युवाओं का सीईटी क्वालिफाई है और अगर वो युवा चार गुना की लिस्ट में आ रहे हैं तो वो तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती हो जाए, लेकिन जिन युवाओं का सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ है वो चाह रहे हैं कि अगला सीईटी जल्दी जल्दी हो जाए। ये सीईटी के तहत जो साथियों भर्तियां जारी हैं, चाहे वो पुलिस की हो या ग्रुप सी की, जो बचे हुए पदों के ऊपर भर्ती हैं, क्योंकि 10,000 से 11,000 पदों के ऊपर भर्तियां हो चुकी हैं 32,000 में से, और बाकी बची हुई हैं। अब वो रिव्यू पिटिशन वाला, दोबारा एग्जाम वाला, वो एक अलग मैटर है साथियों, लेकिन फिलहाल इन भर्तियों को सरकार पूरा जरूर करेगी। हो सकता है 32,000 में से पूरी ना हो, लेकिन 56-57 वाला मसला हल करने की पूरी पूरी कोशिश एसएससी की रहेगी। अब बात करते हैं नए सीईटी की, क्योंकि युवा भी चाहते हैं और युवाओं के चाहने से तो अब तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब सरकार के लिए एक बड़ा अड़ंगा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया था कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सीईटी लेना होगा, 8 वीक, तो ये 8 वीक वाली डेडलाइन है साथियों, ये चिंता का सबब बनी हुई है सरकार के लिए। चिंता का सबब इसलिए है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है, अब इसमें नेक्स्ट सुनवाई 25 या फिर शायद 29 सितंबर की जो भी है, यानी कि सितंबर माह में आखिरी में ये सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई, उससे पहले पहले का समय दिया गया है अगला सीईटी लेने का। तो सरकार के तौर पर यह ऑर्डर आने के बाद जो मीटिंग्स हुई है उसमें क्या निकल कर आया है कि अगर ये सीईटी नहीं लिया गया समय पर तो कोर्ट केस की सुनवाई में कुछ ना कुछ बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से होने वाला है, चाहे वो पनिशमेंट के रूप में हो या कुछ भी हो, लेकिन वो जो फैसला आएगा वो चुनावों के परसेप्शन के लिए, क्योंकि विरोधी तो ऐसे मुद्दे को हड़पने के लिए तैयार है, तो परसेप्शन के लिए पहले ही नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं है जो भर्तियों का प्रोसेस चला हुआ है। इसीलिए अगर नया सीईटी नहीं लिया गया तो परसेप्शन और भी ज्यादा बिगड़ता जाएगा। और जो मीटिंग्स हुई हैं उस मीटिंग्स के बाद जो फैसला आया है, उस फैसले के हिसाब से साथियों आपको बता दें कि उस फैसले के बाद ही ये 18 जुलाई को नोटिस जारी हुआ था कि भाई 18 जुलाई को ये नोटिस जारी हुआ था ग्रुप सी भर्तियों की, जो डिटेल मांगी गई है। नया सीईटी होगा, भर्तियां कंप्लीट तो होने वाली नहीं है अगले सीईटी की, लेकिन इतना जरूर है 20 से 25 हजार पदों के ऊपर भर्तियां अगले सीईटी के तहत आने वाली हैं, इसमें कोई दोराय मत समझिएगा, क्योंकि खाली पदों की जानकारी आएगी और ये एडवर्टाइजमेंट कर देंगे सभी के सभी पद। चुनाव के मद्देनजर क्या क्या होता है आप सबने देखा होगा, और ये भर्तियां तो होने वाली है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करें, एसएससी के पास फिलहाल इन भर्तियों को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना नेगेटिव माहौल है इन भर्तियों के होने के बाद कितना पॉजिटिव माहौल में ये बदल पाएंगे ये भी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो इतने सालों से युवाओं ने झेली है वो एक दिन में कम नहीं होने वाली। अब क्या फायदा, कितना परसेप्शन पॉजिटिव वे में क्रिएट कर पाएंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा अगर भर्तियां कंप्लीट होती है तो, लेकिन कितना पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें नया सीईटी सितंबर माह में जरूर लिया जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। हो सकता है नया सीईटी आचार संहिता में भी ले लिया जाए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। तो साथियों ये अपडेट थी, मीटिंग में जो अंदरूनी फैसला लिया गया था उसमें यही था कि भी मीटिंग में डिसीजन हुआ कि अगर जो अगली सुनवाई है वो भी सितंबर में है और चुनाव से पहले ऐसे रिक्त सरकारें नहीं लेना चाहेंगी, लेकिन परसेप्शन अगर गलत क्रिएट होता है तो वो नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपको पता है चुनावों के लिए क्या क्या करती है पार्टियां, सरकारें, सबको पता है। तो ये अपडेट था साथियों, जो नए युवा है वो तैयारी करके सीईटी क्वालिफाई जरूर करें, क्योंकि अगला सीईटी क्वालिफाई करने की बात की जा रही है, लेकिन क्या होगा आने वाला समय बताएगा जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए। और सीईटी में आप अच्छे नंबर जरूर लाएं, क्योंकि ऐसा ही हाल पिछले सीईटी से पहले भी सबको लग रहा था कि क्वालिफाई हो जाएगा, और हुआ क्या, 4 साल से इंतजार रहा और अभी भी उन्हीं साथियों का नंबर आ रहा है जो टॉप में है। इसलिए आप नए सीईटी की तैयारी शुरू कर दें जिनका इस सीईटी में एग्जाम नहीं है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।